मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग को मिली तीन बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों क्या है वो तीन बड़ी खुशखबरी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप भी सीएसके टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग का यह मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। चेन्नई सुपर किंग के लिए यहाँ से हर एक मुकाबला बड़े अंतर से जीतना होगा। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग अधिकतम 14 अंक तक पाएगी। अगर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए वैसे तो कोई चांसेस बचते हैं तो उसके लिए चेन्नई सुपर किंग कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग को तीन अच्छी खबरें आ रही हैं। यहां पर पहली अपडेट रविंद्र जडेजा को लेकर है। आपको बता दें रविंद्र जडेजा पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ चोटिल होने की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे, लेकिन वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी करेंगे। रविंद्र जडेजा के प्लेइंग 11 में आने से रॉबिन उथप्पा या शिवम दुबे टीम से बाहर होंगे। यहां पर दूसरी अपडेट चेन्नई सुपर किंग के प्रैक्टिस मैच को लेकर है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग ने प्रैक्टिस मुकाबला खेला था। इस प्रैक्टिस में धोनी के बल्ले से ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली। धोनी ने मात्र 13 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए। आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म में वापस आना चेन्नई सुपर किंग के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर तीसरी बड़ी अपडेट महेंद्र सिंह धोनी के बयान को लेकर है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने बताया है उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। उन्होंने कहा है कि प्लेऑफ में पहुंचना है तो थोड़ा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो अपनी टीम के बेहतर रन रेट बाकी मुकाबलों में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर धोनी का यह बयान सभी क्रिकेट फैंस के लिए काफी खुशी देने वाली खबर है। दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।